है, उनके मात्र एक झाड़े से यहाँ लोगों का इलाज हो जाता है। इस वक्त हम इमरजेंसी के एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही केसेस यहाँ पर अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। बाबा यहाँ पर हैं और जी क्या केस है? ये वेंटिलेटर पे थे ये पहले, तो इस बच्चे ने झाड़ा लगवाया था वीडियो कॉल पे, वेंटिलेटर से उठ गए। उसके बाद इन्होंने दो झाड़े हुए बच्चे यहाँ पे, कितने झाड़े हुए यहाँ पे? चौथा झाड़ा है, अब चार झाड़े यहाँ पे हो चुके हैं इनको, तो इनको काफी आराम हो रखा है। बच्चा बताएगा आप जी, जानते हैं जो आप, पहले हम आपको परिजन दिखाएंगे जिनको यहाँ झाड़ा लगवाने लाया गया है। ये व्यक्ति है और इनके परिजनों से हम एक बार बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनकी जो कंडीशन थी वो पहले बहुत खराब थी, बताया जा रहा है कि ये वेंटिलेटर पे थे और अब इनको आराम है, इनका यहाँ चौथा झाड़ा है। आप बता सकते हैं जी? कौन है आपके? कौन है? पिताजी। क्या समस्या है? इनके जी गुर्दे ब्लॉक है, गुर्दे ब्लॉक है, किडनी ब्लॉक है, और आपने यहाँ बाबा से झाड़ा लगवाया जी। तो कितने झाड़े लगवा चुके हैं आप? चौथा झाड़ा है जी। आपको आराम नजर आ रहा है? पहले वेंटिलेटर से थे, अब बहुत आराम है, तो घर पहले आए थे वो बाबा जी का झाड़े चल रहे हैं जी, आराम बहुत है जी पहले से। तो आप यहाँ अब ये बाबा झाड़ा लगा रहे हैं जी, देख सकते हैं, ये देखिए कैमरे के माध्यम से अब आपको दिखाएंगे हम कि ये इनका चौथा झाड़ा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ MBBS बाबा के झाड़े से इनको आराम महसूस हो रहा है, इनके दोनों गुर्दे जो है वो फेल हो रखे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उस सबके बावजूद यहाँ पर इनका जो इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर बाबा के चौथे झाड़े से इन्हें कंडीशन में सुधार नजर आ रहा है। ये देखिए परिजनों के साथ यहाँ पर है और इन्हें मंदिर में ही जगह दी गई थी लिटाने की, बैठाने की, इलाज यहाँ पर चल रहा है, बाबा इनको झाड़ा लगा रहे हैं और साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि परिजनों ने खुद यहाँ बताया कि चौथे झाड़े के बाद इनको यहाँ पर आराम नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप जी, हाँ बवाना का धाम है जहाँ पर MBBS बाबा आपको यहाँ पर झाड़ा लगाते हुए लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल P24 की लाइव रिपोर्टिंग आप यहां पर देख रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इनकी जो कंडीशन में सुधार है, वेंटिलेटर से बाबा ने इनको उठा दिया है। आप देख पा रहे हैं कंडीशन आपको हम यहां पर लाइव दिखा रहे हैं, पूरी फुटेजेस आपको यहां पर लाइव अपने कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा फोकस मैं एक बार करने के लिए कहूंगी कैमरे पर, थोड़ा जूम करने की जी। लो एक भाई सुनो, अल्लाह का देखो सुनो, अल्लाह ये तो नहीं होगा, एक्चुअल इनको जो प्रॉब्लम है वो किडनी की है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन बदतर होती जा रही थी, लेकिन बाबा के आराम के बाद से जी 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 जी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथों में नीडल भी लगी हुई है, बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टरी फील्ड में। ऐसे ऐसे तीन मरीज आ चुके हैं, ये तीसरा मरीज है, दो ठीक हो चुके हैं, एक तो आर्मी में था। देखिए ऐसी बीमारी बाबा ने बताई है जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है, लेकिन बाबा के झाड़े से इनको आराम यहाँ पर महसूस हो रहा है। और यहाँ पर और भी जो लोग हैं हमें नजर आ रहे हैं, आप, आपके हाथ में ये कैनूला लगा है, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल से आए हैं? शुगर है। आपको डायबिटीज है, तो आप कितनी बार झाड़ा लगवा चुके हैं? पहली बार आया। आप पहली बार आए हैं, झाड़ा लग गया? ना। से इंतजार कर रहे हैं? बस सुबह आए थे 9 बजे से। टोकन लिया था? टोकन आप दिखा सकते हैं कैमरे में? कितनी भीड़ यहाँ पर है। और यहाँ पर जो भक्त है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आ रहे हैं, कोई प्रेशराइज इन्हें नहीं किया जा रहा है। और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ आपको यहाँ पर आने के लिए किसने बताया था? गांव में बताया था, नरेगा में बताया गया था। तो कुछ पैसे यहाँ पर आपसे लिए जा रहे हैं? इलाज कैसे होता है बता रहे हो? तो मामले को वैसे बैठे, हम तो 9 बजे आए थे, हमारे से तो कोई किसी भी तरीके का कोई पैसा आपसे यहाँ नहीं लिया गया, बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त इलाज यहाँ पर आपका हो रहा है। और आपका कितना विश्वास है बाबा के ऊपर या श्याम बाबा? पूरा है विश्वास, जो आ रहे हैं तब मेरा भी शरीर में भी दिक्कत है,
तो आप इनके साथ आए हैं? हाँ, ये तो आप दोनों अपना अपना झाड़ा लगवाना है, तो आपने अलग अलग टोकन लिया है जी। तो आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं यहाँ पर बाबा से बात करेंगे। तीसरा मरीज है पार्किंसन का और इनको देखो अभी झाड़ा लगा, कंपन करो, तो यही बाबा का चमत्कार है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो पीछे है ना वो शक्ति है। जो भी विजय कुमार, कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर दिल्ली। उत्तम नगर, कितना आराम हो आपको? आप देख ही रहे हो, आपको महसूस हो रहा है आराम? है, आराम तो है। कितने कितना कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम थी और अब क्या, कितने झाड़े लगाए हैं? सात आठ साल हो गए, अभी दूसरा झाड़ा है। दूसरे झाड़े में इतना फर्क है? डॉक्टर्स ने क्या स्टेट बताया था? डॉक्टर्स ने कंडीशन का क्या इलाज बताया था? मैडम पार्किंसन है, इसका कोई इलाज नहीं है। और बाबा ने इलाज कर दिया? हाँ, ये मतलब अभी कंट्रोलिंग में है, पूरा दूसरा झाड़ा लगा, ठीक नहीं हुआ है। हाँ। दो झाड़े लगे। हाँ। कितने झाड़े आपको बताए गए? सात बताए गए। जी देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक मरीजों का इलाज बाबा खुद आकर कर रहे हैं। इमरजेंसी का एरिया इसे बताया जाता है, जो मंदिर के ठीक ऊपर वाले एरिया में है। और ये बाबा देख सकते हैं पैर पर पैर बाबा ने रखा है मरीज के, और पैरों पर हाथ लगाते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए यहाँ पर लगातार इलाज किया जा रहा है। ये देखिए आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये बाबा ने यहाँ अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है, इलाज करना शुरू कर दिया है। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगातार गूंजते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, पैरों की जो तकलीफ है वो इस मरीज के अंदर आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ये देखिए, चलो चलो, पैर रखो, उठाओ उठाओ उठाओ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और दर्द कहाँ पे इनको? ये बाबा का इलाज यहाँ पर आपको P24 न्यूज के माध्यम से लाइव देखने को मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कमर में दर्द और यहाँ पैरों में दर्द बताया जा रहा है। कम हो गया। झाड़ा लगाने से तकलीफ आपकी? माता जी वहाँ पे लगता है ये बाबा चल नहीं पाते। ये देखिए ये बाबा खुद बता रहे हैं, क्या कंडीशन है अभी आपकी? चलना आराम लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है। क्या दिक्कत थी आपको? कमर बोल बोली आज नहीं निकल रहा है। सही लग रहा है, आप बोल पा रहे हैं? अब आप मालिक में देखिए भाव आंसू इनकी आंखों में नजर आ रहे हैं। इनका कहना था कि ये ना ये बोल पा रहे थे ना चल पा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो इनकी कंडीशन है उसके हिसाब से एक साल से क्या तकलीफ थी आपको? और आज आप बाबा के धाम पे आए हैं तो आपको आराम महसूस हो रहा है जी? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। और कितने साल से? एक साल से आपको तकलीफ थी, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? रहते पटना के रहने वाले वकील लड़की के पास आए रहते हैं। किसने बताया था आपको बाबा के बारे में? हाँ, बाबा के बारे में किसने बताया? इन बाबा के बारे में, मैं लड़की काम पर जाती है ना, तो वही कही है कि बाबा सकते हैं। सिर्फ दिल्ली या बवाना में नहीं, लेकिन दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आ रहे हैं और इनका इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार इनका ट्रीटमेंट जो है बाबा कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल हम हैं और बाबा यहाँ पर खुद भक्तों के पास आकर उनसे बात करके उनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही आपको हमने ऊपर पहले ही दिखा दिया था कि यहाँ पर जो बाबा हैं वो नीचे पंडाल में लोगों का इलाज करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और फिर झाड़ फूक करके उनका इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिजिकली स्पेशल हैं, जो काफी टाइम से चल फिर नहीं पा रहे, उनके पास बाबा खुद चल कर आए हैं। और आप देख सकते हैं जी, एक सेकेंड आप इधर आ जाए जी। ये देखिए एक और हम बाबा का कमाल आपको यहाँ दिखा रहे हैं। क्या तकलीफ है आपको? ये बाबा यहाँ झाड़ा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जी की कृपा है, बहुत ठीक है, कितनी से दोनों फेल है, अब आराम है। क्या दिक्कत थी आपको?
किडनी की, किडनी की प्रॉब्लम थी। हाँ दोनों फेल थी, दोनों किडनी आपकी फेल थी। हाँ जी। और अब फर्क है, क्या कंडीशन, क्या सुधार आपको नजर आ रहा है? आपका बस सब खा पी रहे हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में क्या नजर आया? अभी रिपोर्ट नहीं कराई, पाँच झाड़े, पाँच झाड़े के बाद आप रिपोर्ट कराएंगे। अब तीसरा झाड़ा है, अब आपका तीसरा झाड़ा है, तीसरा झाड़ा है। ये देख सकते हैं बाबा यहाँ पर, बाबा जी की कृपा है, श्याम बाबा की, आने का सहारा बाबा जी है, ये है जी। MBBS बाबा के नाम से यहाँ पर जो कपिल बाबा है वो विख्यात है। भवाना धाम में शनि मंदिर पर ये अपने भक्तों का जो है इलाज करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि मात्र झाड़े से ना जाने कैसी कैसी बीमारियों का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पर लाइव हमने आपको दिखाया कि लोगों को इलाज के बाद फर्क महसूस हो रहा है। झाड़े के बाद आप देख सकते हैं व्हीलचेयर पर बैठा शख्स जो है अब चल पा रहा है। आप खुद अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कुछ देर पहले जो व्यक्ति यहाँ व्हीलचेयर पर बैठा था अब वो व्यक्ति बाबा की कृपा से चल पा रहा है। लाइव आप चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे चमत्कार कहें, आस्था कहें, भाव कहें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर एक के बाद एक लोग बैठे हुए हैं, एक के बाद एक भक्त यहाँ पर बैठे हुए, परिजन लेकर आते हैं, ना जाने कैसी कैसी बीमारियों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि शनि धाम में बाबा खुद यहाँ पर एक एक कर भक्तों को अपने हाथों से ठीक करते नजर आ रहे हैं। जी क्या दिक्कत थी इनको? ये चल नहीं पाते थे, पता नहीं एक साल से दो साल से, जो भी है ये बताएंगे कैसे है। यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे एक बार। देख सकते हैं जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले व्हील चेयर पर था, आप उनको तीन साल हो गए, तीन साल से इनसे जी अपना वजन नहीं उठ पा रहा, बैलेंस नहीं बन पा रहा। इनकी नशे दबे से, तो वो जो नशे दब जाती है ना उसके कारण ना ये डिसबैलेंस हो जाती है सारी रोड, तो वो झाड़ा लगा है इनको। बोलो, झाड़े के बाद फर्क आपको महसूस हो रहा है? शर्म से लग गया, शर्म से पैलेस बढ़ गया, आराम लग रहा है, शर्म से पैलेस बढ़ गया, शर्म से बैलेंस बिगड़ रहा है। ये बोल रहे हैं शर्मा का बैलेंस बिगड़ रहा है। जो हमारा ये करवाए थे ना उनमें शर्मा था, अभी फर्क आपको महसूस हो रहा है? कुछ आराम नजर आ रहा है झाड़े के बाद? आराम हो गया, आराम हो गया, आराम लग गया ना, आराम लग गया जी। देख सकते हैं इन्होंने खुद बताया झाड़े के तुरंत बाद कि इनको अब आराम यहाँ पर महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं आपके अभी कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया कि एक व्यक्ति व्हील चेयर पर थे और उनको बाबा ने झाड़ा लगाया, पैदल चलवाया, अपने पैरों पर चलने के बाद जब उनसे बात की गई तो उन्हें आराम महसूस हो रहा है। इसी के साथ अगला अब हम आपको दिखाएंगे अगला केस जो बाबा ठीक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप अपने हाथों से बाबा इनको पकड़ कर चलवाने का काम कर रहे हैं। थकावट है नहीं है? ये आखिरी केस आज का हम आपको दिखाएंगे कि बाबा ने इलाज किया, उसके बाद ये चलने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा ने इन्हें जो वो दिया है थोड़ा एनकरेज किया है ताकि ये खुद अपने पैरों पर चले। और देख सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद ये व्यक्ति खुद अपने पैरों पर चलने योग्य हो गए हैं। ये बवाना का शनि धाम है। बाहर से एक बार हम आपको एरिया लोकेशन और यहाँ का टोटल फुटेजेस दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बाबा श्याम की कृपा से लगातार इलाज किया जाता है। हजारों यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और यहाँ पर एक के बाद एक भक्तों का इलाज किया जाता है। चलते हैं एक बार बाहर की ओर, आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ के जो भक्त हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे। ये देख सकते हैं एंट्री किस तरीके से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ एक एक कर लोगों को एंट्री दी जा रही है मंदिर के अंदर। बाहर का ट्रैफिक हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बवाना है जहाँ बाबा की
कृपा से लोगों का इलाज होता है। और ट्रैफिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना ट्रैफिक यहाँ पर लग गया है, इतनी लोगों की भीड़ यहाँ पर है और लोगों की आस्था भाव यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए कितना कैसे कैसे कंडीशन में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सिर्फ एक उम्मीद लेकर कि उनका इलाज हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको P24 न्यूज के माध्यम से नजर आ रही है, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनका इलाज लगातार यहाँ बाबा मुफ्त में करते हैं। आस्था भाव और श्रद्धा है वो लोगों में नजर आ रही है। ये देख सकते हैं बाबा जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। जी जी क्या क्या कंडीशन थी आपकी? शुरू में बहुत ज्यादा क्या दिक्कत क्या थी? लकवा लग गया था जी, इसका लकवा लगने के बाद अब इसका चौथा झाड़ा है जी, इसका पूरा आराम है जी, बिल्कुल मालिक की दया से अपने पैरों से, शाम बाबा की दया से अपने पैरों से चल के आए हैं। आज चौथा झाड़ा है इसकी, बस ये दो है ना, ये अंगलियां नहीं मुड़ पा रही, बाकी सारा बढ़िया खा ले, घूम ले, बढ़िया रेडी हो गए है। सतीश, क्या भाव है आपका इस ट्रीटमेंट के इलाज के बाद? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा है, वो गुरुजियों की आशीर्वाद। कितने सालों से आपको ये दिक्कत? एक महीने से हुई, ये 17 दिन से तक दिक्कत है जी, इसमें 17 दिन में आज चौथा ही झाड़ा है। 17 दिन में चौथा झाड़ा आपको लगा और आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर आराम मिला है, पूरा आराम हुआ है भाई का, मैं इसका भाई हूँ छोटा, हाँ जी इसका पूरा आराम हुआ है। हम जोड़ी गांव से है, गोहाना के पास है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको MBBS बाबा के बारे में कैसे पता चला? ये MBBS हमने यूट्यूब के जरिए माध्यम से पता चला है, इसीलिए हम यहाँ पहुँच पाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। देख सकते हैं आप कितनी पढ़ाई आपने की है? +2 की है जी। आप अच्छा 12वीं पास है, अच्छी एजुकेशन आपने ले रखी है, यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा और आपको यहाँ पर आराम भी नजर आया, तो अब आप आगे और लोगों को इसके बारे में क्या बताने वाले? लोगों से यही कहेंगे जी हमें आराम हुआ है, तो लोगों का कुछ पैसे आपसे लिए गए? नहीं जी कोई पैसा नहीं लिया गया, प्रसाद भी नहीं, कुछ भी मतलब फ्री में सेवा है, कुछ न कुछ अपने दौरे लगा रहा है, अपने दौरे से लगा रहा है कुछ न कुछ, जो भी मतलब प्रसाद वगैरह। आज के टाइम में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, लोगों को ये पहचानने में बहुत दिक्कत होती है कि कौन असली है और किस पर विश्वास करना चाहिए किस पर नहीं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो देखो विश्वास बहुत है, पर देखो हमारा भाई ठीक हो गया, हमारा तो साथ ऐसा बना है, तो हम तो इसके ऊपर विश्वास है ही है 100%, तो इस करके हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं जी। देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं, सीधा सीधा लाइव हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी लकुए तक की बीमारी का इलाज मात्र कुछ झाड़ों से करवा लेते हैं, मुफ्त में करवा लेते हैं और लोगों को यहाँ आराम भी महसूस हो रहा है। P24 न्यूज के माध्यम से हमने आपको MBBS बाबा की लाइव कवरेज दिखाई। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं वंशिका, धन्यवाद।